आज हम पाठ 3 अस्माकं प्रिय पादपा का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में मैंने नीम के पेड़ के बारे में बताया था, आम के वृक्ष के बारे में आम की उपयोगिता बताई थी और पीपल के वृक्ष व पीपल की उपयोगिता के बारे में बताया था। आज हम आंवले के विषय में और नारियल के पेड़ की उपयोगिता के बारे में, कितने उपयोगी हैं इनके बारे में बताएंगे, पढ़ेंगे। देखिए, आमल का नाति विशाला वृक्ष अस्ति। आमले का वृक्ष बहुत विशाल नहीं होता है। अस्सी फलम आमला कथ्यते, इसके फल को आमला कहते हैं। आमल का अत्यंत गुणकारी स्वास्थ्यवर्धकम फलम अस्ति। आमले का फल जो है, इसका फल, इसके फल को आमला कहते हैं। आमलकम आमला जो अत्यंत गुणकारी स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य को वर्धक होता है। अनेक को अनेकों औषध निर्माणे आमलकानम प्रयोग करते, अनेक औषधियों के निर्माण में आमले का प्रयोग किया जाता है। आमल के संदिताब लैब लेह चूर्ण पे मिष्ठानम निमित्ते, आंवले से चूर्ण बनाया जाता है, पीने के पदार्थ बनाए जाते हैं व मिठाइयाँ निर्मित की जाती हैं। आमल के विटामिन सी प्रचुर मात्राएँ प्राप्त हैं। आंवले से में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। फल मिधि अमृत अस्ति, इसका फल अमृत है। आमलक सेवनम वयम ऊर्जावंत ताचिर यौवना स्वास्थ्य भवामा, आंवले के सेवन से हम ऊर्जावान दीर्घ युवा, मतलब बहुत समय तक हम युवा रहते हैं, स्वास्थ्य स्वस्थ होते हैं। भरति भिनाम दृष्टवा आमल का पवित्र वृक्षो अस्ति, भारतीय संस्कृति में की दृष्टि से आंवले को पवित्र वृक्ष, आंवला पवित्र वृक्ष है। ते कार्तिक माक्षे अक्षय नवम्यां तिथो अस्य तले भोजनम पकत्वा अस्य पूजनोपरांतम खादन्ति, ते लोग कार्तिक मास की अक्षय नवमी को, तिथि को, इसके नीचे, इस पेड़ के नीचे जाकर भोजन पकाते हैं, पकत्वा मतलब बनाते हैं, और पूजा, इसकी वृक्ष की पूजा करने के उपरांत खाते हैं। आमल कानी औषधीय गुण संपन्नानी चा संति, आंवला औषधीय गुणों से संपन्न होता है। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् आमलकः भारतवर्षे सुलभा सन्ति, यह हमारा सौभाग्य है कि आंवला भारतवर्ष में आसानी से मिलता है या होता है। भारतवर्षस्य कतिपय चले कृषका आंवला आमलक वन विस्तारे संलग्ना सन्ति, भारतवर्ष में कुछ किसान आंवले के वन के विस्तार में संलग्न हैं या लगे हुए हैं। यतो ही आम्लकोत्पादनम लाभकर कर्म अस्ति, इसीलिए आंवला का उत्पादन लाभकारी है। दूसरा पेड़ कौन सा है? नारियल का। नारियल का देखिए, भारतवर्षस्य तटीय प्रदेशे सुयावत दृष्टियार्थी तावत नारिकेल वनम अवलोक्यत, भारतवर्ष के तटीय प्रदेशों में नारियल के वन देखे जाते हैं या मिलते हैं। अस्य सुषमा वर्णिया, इसकी सुषमा अवर्णीय है, मतलब इसकी सुंदरता का वर्णन करना संभव नहीं होता है। नारिकेला अद्भुत शाखा विहीना सरल उत्तुंगा पर्णाच्छिदित सिरस्तर रुर अस्ति, क्या है? नारिकेल जो है, नारिकेल मतलब नारियल का जो पेड़ होता है वो होता है अद्भुत शाखा विहीन होता है, शाखा से रहित होता है, सरल मतलब सीधा होता है, सीधा ऊंचा होता है, पत्तों से झुका हो ढका हुआ सिरे वाला वृक्ष होता है। नारियल का वृक्ष अद्भुत शाखा रहित सरल व ऊंचा पत्तों से ढका हुआ सिरे वाला होता है।
नारिकेलस्य फलम नारिकेलमति अस्ति। नारिकेल के नारियल के नारियल के फल को नारियल कहते हैं। आपक्व नारिकेलस्य जलम जना सानंदम पिबति। कच्चे नारियल के आपकब मतलब कच्चे नारियल के जल को लोग स्नेह के सानंदम आनंद के साथ पीते हैं। परिपक्व नारिकेलस्य त्रय भागा संति। पके हुए नारियल के तीन त्रय मतलब तीन भाग हैं। अस्य जटावेशितः मध्य भागस्तु बत्रुकाकार ब्रजवत कटोरा कटोरम अस्ति। क्या है अस्य, इसका पहला भाग कौन सा होता है? जटावेशितः मतलब जटाओं से आच्छादित होता है, जटाओं से भरा हुआ होता है। और दूसरा भाग जो होता है वो क्या है, मध्य भाग, क्या बीच का भाग, कैसा बर्तुलाकार गोल होता है, वृत्त के समान होता है, वृत्त के आकार का होता है। ब्रज भाग कटोरा मस्ती और पत्थर के समान कटोरा होता है, पत्थर का कटोरा के जैसा होता है। तस्मिन जलम इसका जल जो मधुर धलस कंदुका का रूपम ग्रहणाति। और इसके अंदर क्या होता है, जो कटोरा होता है ब्रजत, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो है जल सहित मधुर सफ़ेद मतलब मीठा सफ़ेद गेंद की रूप गेंद के आकार को ग्रहण किए हुए नारियल होता है। अयम पदार्थ अत्यंत उपयोगी अस्ति। यह जो पदार्थ है वह बहुत उपयोगी होता है। अयम जनय खादते इसे लोग खाते हैं। तस् अस्य प्रयोगः मिष्ठाने व्यंजने चाभवत इसके प्रयोग से मिठाई और व्यंजन भांति भांति के व्यंजन और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। अस्मात् तेल उत्पादते इसी से तेल का भी नारियल के तेल का भी उत्पादन किया जाता है। कठोर भागात अनेक वस्तूनि निर्मीयन्ते कठोर भाग से अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं या निर्माण की जाती हैं। जटारज्ज वासना आदि निर्माणे प्रयोज्यते जटाओं का प्रयोग वस्त्रों के आदि के निर्माण के लिए किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पूजने विवाहे देवालय यज्ञ शिल्यानासे आदि मांगलिक कार्येषु नारिकेलो उपस्थिति अपरिहार्य अस्ति। क्या है, पूजन में, पूजा में, विवाह में, मंदिर में, यज्ञ में, शिलान्यासों में आदि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, जितने भी शुभ कार्य होते हैं, उनमें नारियल की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है, अनिवार्य या शुभ होती है। अस्य वृक्षस्य स्तंभ पाणि कुटीर निर्माणे प्रयोज्यते अस्य इस वृक्ष के तना स्तंभ स्तंभ माने तना पाणि मतलब पत्ते इस वृक्ष के तने व पत्तियों को कुटीर निर्माण मतलब घर बनाने के लिए कुटिया में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कुटिया बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतएव अयम पादपा सर्वांगेन मानवानम सेवा विद्धति इसलिए यह पुष्प सभी मानव जाति की सेवा में सेवा करता है। नारिकेला वस्तुतः कल्पतरु अस्ति नारियल का पेड़ जो है वह कल्पतरु के समान होता है।